अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ आज मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी जो वो हर रमज़ान में बनाती थी और हम बड़े शौक़ से खाया करते थे। इस रेसिपी को वह कल्लू मल्लू के समोसों के नाम से बनाती थी। जब भी बनाती थी तो कहती थी आज मैंने कल्लू मल्लू के समोसे बनाए हैं। इस रेसिपी को बनाते बनाते मैं बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि आज मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं है, लॉकडाउन में वो हमें छोड़कर चली गई हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आटा लिया था। अगर आपके पास गूंथा हुआ आटा नहीं है तो आप आटे को जिस तरह से अपन गूंथते हैं ना वैसे ही आटा लगा लो, गूंथ लो। मेरे पास तो ये बच गया था, मैंने रोटियाँ बनाई थी तो उसका आटा बच गया था, तो इसमें थोड़ा सा खटास आ गई थी। और फिर मैंने इस आटे में मीठा सोडा मिलाया है आधा चम्मच, और इसे मिला के मैं अच्छे से मिक्स करके इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए रख दूँगी। एक से डेढ़ घंटे के लिए इसको मिक्स करके और ढक के रखना है, उससे इसमें खमीर आ जाएगा। खमीर क्योंकि इस आटे इस रेसिपी को बनाने के लिए अपन को खमीर वाले आटे की ज़रूरत रहती है। यूं भी गर्मी पड़ रही है, अगर आप ये देखिए ये आटे को मैंने इस तरह से कर दिया है और मैं ढक के एक घंटे के लिए रख दूँगी। गर्मी में वैसे भी एक खमीर उठ ही जाता है, जल्दी उठ जाता है। आप मीठा सोडा नहीं भी डालोगे ना और बाहर रख दोगे आटे को गूँथ के तो उसमें खमीर आ जाएगा। बस अपन को थोड़ा सा खमीर उठा हुआ आटा चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। ये देखिए एक घंटा हो गया है और मैं इसे देख लूँगी। देखिए कितना अच्छा खमीर इसमें आ गया है, ये आप देखिए बिल्कुल, ये देखो ये पूरा खमीरा आटा अपना बन गया है। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल के और इसको अच्छे से गूँथ लूँगी, फेंट लूँगी, बिल्कुल एग्जी कर लेंगे इसको इस तरह से कुछ। ये देखिए इसको अच्छे से इसे फेंटिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल अपना। ये देखिए मैंने मिक्स करा पानी और फिर से मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों से आटे को खींचते हुए अपन, मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया था, अच्छे से तेल गरम हो गया है और मैं इसे आटे को ऐसे दोनों हाथों से खींचते हुए और तेल में डालती जाऊंगी। और ये देखिए ऐसे सुनहरी होने तक इसको अपन को तलना है, फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई करना हमेशा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी रहते हैं ये, और इसको दही की चटनी और इमली की चटनी के साथ आप खाइए। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी देखना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखिए बस दोनों हाथों से इसको खींचते हुए आटे को, ये आटा खींच जाता है क्योंकि खमीरा आटा है, और ऐसे डाल देना है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही लजीज रहती है, बहुत टेस्टी रहती है। इसको हरी चटनी, दही, इमली इससे खाइएगा और बनाइएगा ज़रूर, और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये एक या दो लोई की लोई का आटा था मेरा, और इससे देखिए मैंने कितने सारे तैयार कर लिए हैं मैंने।
बहुत सारे बन जाते हैं ये। ये वैसे भी छोटी मोटी भूख अगर अपन को लग रही है तो भी अपन बना के इसको खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये इनकी नानी की रेसिपी है। देखिए बच्चे हुए आटे के भी मैं और इस तरह से डाल लूँगी। ये देखिए कितने सारे तैयार हो गए हैं ये। इसको टमाटो सॉस से भी खा सकते हैं, इमली की चटनी, हरी चटनी, दही, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए ये इतना क्रिस्पी और मतलब क्रंची बना है। शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए, रोज़े में इफ्तार के टाइम खाइए। अल्लाह हाफिज़।